प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए। आज 1 अक्टूबर 2021 कर्नाटका के शहर बेलगावी में, जहां पे संकम होटल में एडवोकेट्स और उलमाए किराम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद यही था, यूपी के अंदर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर जो बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं उसकी तर्दीद करते हुए, उसे न मानते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और हुकूमत से मुतालिबा किया गया कि मौलाना को फौरन रिहा किया जाए। और जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये जमहूरियत के और डेमोक्रेसी के पूरे खिलाफ वर्जी करती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट वकार शाहपुरी, एडवोकेट अनवर अली नजाफ, मुफ्ती तुफेल मोमिन साहब और मौलाना बिलाल और लतीफ पठान AIMIM के और भी बहुत सारे लीडरान इसमें शिरकत फरमाते हैं। और सभी लोगों का यही मकसद था कि जिस तरह से इस भारत देश में जो कार्रवाइयां चल रही हैं, जो हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से आसाम में हुआ और मौलाना को गिरफ्तार किया गया और भी कई लोगों को मारा जा रहा है, ये सब हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि आज भारत देश में डेमोक्रेसी, जो सबसे बड़ी भारत की डेमोक्रेसी है, वो की बालादस्ती नहीं है और बालादस्ती होनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आने वाले नए भारत की तरफ हम क्या देख रहे हैं? हमारी आने वाली नस्लें जो है इस भारत को किस रूप में देखेगी और यहाँ पर किस रूप से और किस तरह का मैसेज हम दुनिया को पहुंचाएंगे कि भारत सचमुच ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक जमहूरी मुल्क है, या ऐसे मुल्क में जिस तरह से जो हो रहे हैं चीजें, गिरफ्तारियां, मारपीट, जिस तरह से फोटोग्राफर एक लाश पर कूद रहे हैं, पुलिस कर्मचारी एक लाश को मार रहे हैं, ये सब एक शर्मनाक और पूरी दुनिया के लिए शर्म साफ करने वाली बात है। आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलमाए किराम और एडवोकेट ने किस तरह से अपनी राय का इजहार किया और फौरन मौलाना को रिहा करने की बात की है। इवत्तु नाविल्ली बेळगावियल्ली उत्तर प्रदेश मौलाना कलीम सिद्दीकी अवरन्न अरेस्ट माडिरुव विरुद्धवागी ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಕೀಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿಯ ಮಹತ್ವಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೌಲಾನಾ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೀತಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಆಪಾದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಿವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ರಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಜನರು ಮೌಲಾನಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಬೇಕು, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಅದೇ ಮರುದಿವಸವೇ ATS ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು ಮೌಲಾನಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕಂತ ATSನ್ನು ತಂದು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ATS ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ FIRಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ATSನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತನೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ATS ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ, ATSನ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ವೇಜಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವರು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ATSನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ವೇಜಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ATSನಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫರ್ದರ್ ಐ ವುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ನೋಟಿಸ್. मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में आप सब लोग यहाँ पे हमारे बुलावे पे आए. प्रेस रिलीज़ का आज का हमारा कंटेंट ये है कि अ टीम ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स एंड एडवोकेट्स ऑफ बेलगाम
hereby put out the press release in protest against the illegal arrest of Maulana Kaleem Siddiqui on pretext of false allegation of religious conversion and so-called money laundering. Maulana Kaleem Siddiqui was illegally arrested by some unknown persons on 21st September 2021. All of a sudden, from nowhere, on the next day, the UP ATS comes into picture with a 3-page press release and started leveling baseless allegations of Maulana. देखिए, जैसा एडवोकेट ने हमारे बताया है, चार किस्म के जो आरोप हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर लगे हैं वो सारे के सारे इनलीगल हैं, और जो बताया जा रहा है वो एक अफवाह है कि ऐसा कोई गलत काम मौलाना ने नहीं किया है। आप देखेंगे उन पे जो आरोप है धर्म परिवर्तन का, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 25 में हर एक को इसकी इजाज़त है आज़ादी के साथ में अपने मजहब पर रह सकता है, अपने मजहब पर प्रैक्टिस कर सकता है, अमल कर सकता है, उसको प्रपोगेट भी कर सकता है, तबलीग कर सकता है। यही काम मौलाना ने किया है। अगर ये मौलाना का करना गुनाह है, जुर्म है, तो जितने भी स्कॉलर्स हर तबके के हर मजहब के कर रहे हैं वो सारे के सारे मुजरिम हैं। या तो सबको ले जा करके जेल में डाल दो आप, जैसा मौलाना को आपने डाला है, या दूसरा काम ये करना पड़ेगा आर्टिकल को आप हटा दीजिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ये जो काम हो रहा है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, अंदर का कानून हो रहा है, और आप ऐसे आदमी को उठा दें तो सबको ही जो है आप डाल दीजिए जेल में, या तो फिर कानून को हटा दीजिए। अब जो दूसरा उन पर जो आरोप है रिलीजियस बुक को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का, हर कौम कर रही है, हर इंसान कर रहा है, क्योंकि इसको जो है करने का तरीका ही वही है कि जब तक आदमी बुक्स तकसीम नहीं करेगा, हाँ, बुक नहीं फैलाएगा, लोगों को अपना प्रपोगेट करेंगे कैसे? बुक के ज़रिए से प्रपोगेट किया जाएगा, तबलीग उसी ज़रिए से की जाएगी, तो ये कोई अहम मुद्दा नहीं है। दूसरा, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मौलाना ने जो अपने दीन को प्रपोगेट किया है वो कुरान के कानून के तहत में किया है, कुरान को फॉलो कर रहे हैं और कुरान की वजह से कुरान को फैला रहे हैं। उसी कुरान में सूरह नंबर 2 में एक आयत है, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर मौलाना ने किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती की है तो डायरेक्ट पहले उन्होंने कुरान के ख़िलाफ़ काम किया है, तो ये हो ही नहीं सकता। कोई आम मुसलमान भी, कोई आम नागरिक भी जो है ज़बरदस्ती किसी पर कन्वर्शन के मामले में नहीं कर सकता, इसलिए कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बाद में पहले कुरान को फॉलो करते हैं, तो कुरान को फॉलो करने वाला इंसान कुरान के अगेंस्ट कैसा काम करेगा, ये सोचने की बात है। तो कुरान के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी पर ज़बरदस्ती अपने मजहब को और अपने दीन को थोपो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग का केस मौलाना पे डाला गया है उसको ATS का कोई संबंध नहीं है, जैसा हमारे वकील साहब ने कहा, इसका ED को जो है वो संबंध आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी पूछताछ करेगी। आप देखें इंडिया में कितने केसेस ऐसे हो रहे हैं, हाँ, सोनू सूद पर हुआ, कितने सारे BJP के MLA रहे, दूसरे MLAs रहे जिन पर इनकम टैक्स की रेड आई, ATS ने उनको उठाया नहीं कभी, पहले जा करके इन्फॉर्म किया, इन्विगेशन किया और कितना सारा लंबा जोड़ा, आज तक भी वो लोग जेल में नहीं है। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और मनी लॉन्ड्रिंग में आपने उठा के जेल में डाल दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई घर वालों को जो है इत्तला नहीं है, और डायरेक्ट ये सरासर जुल्म है, इसको मैं कंडेम करता हूँ और पूरी कम्युनिटी इसको कंडेम कर रही है, पूरे जितने जो है लोग यहाँ जमा हैं सब इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और आइंदा भी किसी स्कॉलर को, दीनी स्कॉलर को, किसी भी जो है वो दीन के हो और किसी भी अदर इज़्म के हो, ऐसा उठाना बिल्कुल गलत है, जुल्म है, ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही हुआ, 4 तारीख को मौलाना की सुनवाई है, आप बिल्कुल ATS के साथ में आप उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं इन्वेस्टिगेशन कीजिए आप, और जो हो सकता है जल्द मुजरिम है तो भी साबित कीजिए, अगर वो मुजरिम नहीं है, बेगुनाह है, जल्दी उनको रिहा कीजिए। अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो फिर पूरे के पूरे लोग मुसलमान और दूसरे तंजीमें भी, अदर कास्ट के लोग भी हमारे साथ तैयार हैं, हम पूरे इंडिया लेवल पर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, और कानून के कायदे के अंदर जो हो सकता है हम उसके मुताबिक एक्शन। और हमारे वकील जितने बैठे हैं और दूसरे भी हमारे सदर, सेक्रेटरी, जिम्मेदार और दिगर कमेटियों के जिम्मेदारों ने एक मशवरे से मीटिंग करके हमने ये सारी बातें रखी आपके सामने। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक इस्लामी स्कॉलर हैं जिनके बयानात आज नहीं हैं बल्कि 40 से 50 साल गुजर गए, जो हिंदुस्तान लेवल पे और बल्कि पूरी दुनिया में लोग उनको पसंद करते हैं, और जो भी उनके बयानात हैं आपके पास आज नहीं आए, UP हुकूमत हो या हिंदुस्तान की हुकूमत हो, इनके सामने ये बयानात आज नहीं आए, बल्कि 40-50 साल से एक आदमी काम कर रहा है
और आज उठाने का मकसद हमारे सामने यही बात समझ में आती है, इलेक्शन सामने हैं और ऐसे स्कॉलर को उठाकर हमें विरोध सिर्फ इस्लामी स्कॉलर का नहीं करेंगे, बल्कि जितने भी स्कॉलर हैं, चाहे वो हिंदू मज़हब के हों, सिख मज़हब के हों या ईसाई मज़हब के हों, हम सब की तरफ से ये पेश करेंगे, क्योंकि जमहूरी हुकूमत है, यहाँ हर एक को अपने अकीदे के एतबार से और यहाँ अमल करने के एतबार से और दावत के एतबार से पूरा इख्तियार है। और हम इसके बारे में पूरा विरोध करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो बग़ैर किसी यानी उन पर कोई भी यानी गुनाह उनका है ही नहीं हमारे इस्लामी एतबार से, कुरान के एतबार से वो बिल्कुल इसमें पाक और साफ़ हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है और तमाम मीडिया वालों से भी दरख्वास्त है कि ऐसे इल्ज़ाम जो उन पर बग़ैर किसी गुनाह के थोपे गए हैं, इन इल्ज़ाम को ख़त्म करके 4 तारीख तक उनको रिहा कर दिया जाए। जी इंशाल्लाह मौलाना अगर 4 तारीख को बेगुनाह साबित हो गए जी, तो गवर्नमेंट के ऊपर आपकी कमेटी, आपके मुस्लिम उलमा इकराम जो हिंदुस्तान को क्या एक्शन लेंगे? देखिए जहाँ तक 4 तारीख का क्वेश्चन है, 4 तारीख पर मौलाना बेगुनाह है या नहीं ये साबित नहीं होगा। मौलाना साहब की पुलिस कस्टडी जो है वो ख़त्म हो रही है, उसके बाद इंशाल्लाह वो रिहा हो जाएंगे और वो केस चलेगा। और वो केस का कंटेंट आप अगर देखेंगे तो वो केस ट्रायल पे भी नहीं चलेगा, विद इन ट्रायल डिस्चार्ज हो जाएगा केस, उसके वैसे कंटेंट्स हैं। और जहाँ तक हुकूमत पर हमको जो एक्शन लेना है वो इंशाल्लाह हम लोग जो भी करना है इंटीमेट करके करेंगे। सवाल का एक जवाब में आप भारत के कानून के ऊपर आपको भरोसा है या नहीं है, कहाँ तक भरोसा है आपके कानून के ऊपर? अगर भरोसा अगर हमको नहीं रखता था तो बाबरी मस्जिद का भरोसा आने के बाद में हमको राम मंदिर बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सिंगल एजिटेशन नहीं हुआ, कोई जाके भी कोई अपोज नहीं किया, सबसे बड़ा मुसलमानों के तरफ से सब। इस बात को हम मानते हैं, दूसरे कोई मज़हब जो हिंदुस्तान को तोड़ने की जो कोशिश करे उन लोग मानते हैं नहीं मानते, आप अपने आप को क्वेश्चन करो।